हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। और अभी हम लोग जा रहे हैं हैमिल्टन, और अभी हमारे ना वीकेंड में 2 दिन बचे थे, तो हमने सोचा कि हमें अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना था, हैमिल्टन भी जाना था, और नाइट स्टे हम वहीं करेंगे, और उसके बाद हमें जाना है रोटोरुआ। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं कैप्चर कर लूँ। जो रास्ते का व्यू था वो इतना मतलब ब्यूटीफुल था ना, मैं क्या बताऊँ। और एक्चुअली वैसे तो न्यूजीलैंड अपने सीनिक व्यू के लिए पहले ही मशहूर है, बट हैमिल्टन जाने वाला जो वे था ना, मतलब रास्ते में हैमिल्टन जो जगह है ना, ऑसम है। मतलब वो इतना ब्यूटीफुल था कि मैं ना उसे कैप्चर कर भी ना रह नहीं सकी, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और कहीं कहीं ना रास्ते में मतलब भेड़े नज़र आ रही थी, गाय नज़र आ रही थी, मतलब इतना ब्यूटीफुल था वो सुंदर नज़ारा था कि मैं उसको ना कैप्चर किए बिना रह नहीं सकी। तो सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ, और चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको रोटोरुआ की राइड्स वगैरह कैसी हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने फ्रेंड्स के यहाँ, उन्होंने देखो समोसे और जलेबी मंगवा रखे हैं, यहाँ भी मिलते हैं एनीवेज। और नेक्स्ट डे मैंने शूट करना स्टार्ट किया था, और हम लोग जा रहे हैं रोटोरुआ, और ये रास्ते का व्यू था, मैंने इसको भी कैप्चर किया है। ये आप लोग देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, इतनी ग्रीन ग्रीन ग्रास, मतलब बहुत ही सुंदर और प्यारे प्यारे घर हैं। मतलब आप ना इन्हें देख कर ना अंदर से इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जो लोग मतलब यहाँ रह रहे हैं ना, वो जो जाते हैं इधर घूमने के लिए, तो उन्हें तो पता ही है, बट जो लोग नहीं गए हैं अभी तक, वो ज़रूर ट्राई करें। मतलब बहुत अच्छा है नज़ारा है, देखने वाला नज़ारा होता है ये। और रास्ते में थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइज हम आ गए हैं रोटोरुआ, और इस जगह का नाम है स्काईलाइन, जहाँ आप जा सकते हैं बहुत सारी राइड्स के लिए, जैसे कि ग्रेविटी फुल लूज ट्रैक्स हैं, स्काई स्विंग है, हाई फ्लाई जिप लाइन्स, स्काईलाइन एमटीबी पार्क है जहाँ पर साइकिलिंग हो सकती है, और आप एनिमल एंड नेचर वॉक भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, प्लस कैफ़े। और ये मैंने अंदर से थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब लाइक बच्चों के साथ मूवमेंट्स को कैप्चर करना। और साथ साथ मैं ना आप लोगों को बाहर का भी नज़ारा दिखा रही हूँ ऊपर से, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। बाकी तो ये खुद का एक एक्सपीरियंस है, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि हाँ हमें जाके मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस होगा। हाँ थोड़ा पेड तो है, ऐसा नहीं है पेड है, फ्री राइड्स नहीं है ऑब्वियसली, बट स्टिल मतलब आपका ना वो एक जो टाइम होता है ना वीकेंड इंजॉय करना फैमिली के साथ, मतलब वो वर्थ है आपका। ऐसा नहीं होगा कि आपने पे किया है और आपको मतलब मैम यहाँ इंजॉय आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और साथ साथ हम एक राइड मैं ले चुकी थी, और अभी मैं फिर से वापस हम जा रहे हैं ट्रैक पर दोबारा से, क्योंकि हमने जो फैमिली पैक बुक किया था उसमें 3 राइड या फिर 5 राइड मतलब वहाँ मिल रही थी, हमने 3 राइड वाला पैक बुक किया था, तो मिनिमम 3 राइड हमें करनी थी, और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को ना, मतलब एक एक चीज़ को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ मतलब बस जितना इंजॉय हम कर सकते थे ना हमने बहुत किया। और बाकी आप लोगों के लिए भी बहुत इजी होगा, जो लोग प्लान कर रहे हैं तो मतलब वो मतलब इंजॉय करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लोग सीधा कैफ़े जाएंगे, ये 3 राइड्स कंप्लीट हो गए। तो गाइज हम आ गए हैं अब राइड्स कंप्लीट करके ऊपर, और अभी थोड़ा सा ना हमें भूख भी लगी थी, तो हमने अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया, आइसक्रीम ली थी। और ये मैंने पीछे से व्यू कैप्चर किया है, मतलब कैफ़े के बैक साइड वाला है, और अब हमें हो गया था थोड़ा लेट, हम जा रहे हैं अब सीधा घर, क्योंकि ठंड भी बहुत हो गई थी, और आज का जो टेम्परेचर था यहाँ पर वो 3 डिग्री सेल्सियस था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी एक्सट्रीम वाली। और अब सीधा घर जा रहे हैं, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।